नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, तिरंगे झंडे में कुल कितने रंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया मार्शल आर्ट ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन टेस्ट का आयोजन। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में मार्शल आर्ट ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन टेस्ट का आयोजन हाई स्कूल नवगछिया के मैदान में आयोजित की गई। टेस्ट के मुख्य निर्णायक घनश्याम प्रसाद राष्ट्रीय रेफरी सह जिला महासचिव थे। जिला प्रभारी जेम्स फाइटर ने बताया कि टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को बिहार ताइक्वांडो संघ के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फाइटर जेम्स मोहम्मद नाजी, मोनी कुमारी, खेल संघ के अखिलेश पांडे, एनसीसी के अखिलेश कुमार सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। रेड बेल्ट जीनी खातून, ब्लू वन बेल्ट बिट्टू कुमार, ग्रीन वन बेल्ट अरमान खान, ग्रीन बेल्ट कलश अवंतिका, प्रिया कुमारी, मीनाक्षी कुमारी, सोनाक्षी हिमांशु, अमृत राज, शिवम कुमार, अभिनव तन्मय, प्रियांशु कुमार, हरिओम कुमार, हर्ष कुमार, राजा कुमार, येल्लो बेल्ट अंकित राज, अनन्या कुमारी, अनन्या वात्सल्य, अर्जित आनंद। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया शांतिपूर्ण माहौल में मनाए काली पूजा व दीपावली। काली पूजा एवं छठ पर्व को लेकर रविवार को नवगछिया टाउन थाने में शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष अमर विश्वास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दीपावली काली पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इस पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बताया कि नवगछिया में 6 स्थानों पर मां काली की पूजा होती है। शहर के सत्संग भवन रोड वार्ड 17 पुरानी एनईसी रोड नोनिया पट्टी बम काली मंदिर, आनंद विवाह भवन के पीछे बूढ़ी काली मंदिर, स्टेशन रोड आरपीएफ थाना के बगल स्थित काली मंदिर, NH 31 पकड़ा मोर काली मंदिर एवं तितरी खादी भंडार परिसर काली मंदिर में प्रतिमा स्थापित होती है। पूजा समिति के सदस्यों ने पूजा के दौरान पूजा स्थल पर पुलिस की व्यवस्था किए जाने की बात कही। वहीं नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने पूजा के दौरान शहर में पुलिस गश्ती बढ़ाने एवं उचक्कों पर निगरानी करने की बात। नवगछिया छोटे बच्चे के लिए गर्म कपड़े, बिस्कुट एवं टोपी का किया वितरण। रविवार को मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया शाखा ने अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय कार्यक्रम जनसेवा के अंतर्गत दीपावली को देखते हुए कार्यक्रम आनंद सबके लिए के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद के बीच छोटे बच्चों के लिए गर्म कपड़े, बिस्कुट एवं टोपी का वितरण किया।
नवगछिया नौ का हादसा। पत्नी गीता का फोटो लेकर पति घाट पर घूम रहा, देर शाम मायूस होकर लौटा घर। नवगछिया के तिनटेंगा करारी के दर्शनिया घाट पर गुरुवार को हुए नौ हादसे में लापता गीता देवी के पति लालू मंडल अपनी पत्नी का फोटो साथ में लेकर अपनी पत्नी को जिंदा या मुर्दा पता करने में गुरुवार की सुबह से ही परेशान है। लालू मंडल अपने बड़े भाई भतीजे व साला के साथ घाट पर किनारे बैठकर कभी पत्नी के फोटो को निहारता तो कभी गंगा की शांत लहरों को निहारता व अपनी किस्मत को कोसता। बताते चलें कि 6 महीने पहले ही लालू की शादी गीता देवी के साथ हुई थी। हालांकि घटनास्थल पर गोपालपुर थाना अध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती व SDRF के कमांडेंट राजेश कुमार मीना घाट पर सुबह से ही कैंप कर रहे थे। कमांडेंट राजेश कुमार मीना ने बताया कि सुबह से SDRF के द्वारा 25 किलोमीटर के दायरे में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, परंतु समाचार लिखे जाने तक किसी तरह का सफलता नहीं मिला है। अब तक बिंदु देवी पति रंजीत दास, कौशल्या कुमारी पिता अजबलाल मंडल के सब भी बरामद नहीं हो पाए हैं। गंगा नदी से 10 वर्षीय बालक का शव बरामद, शिनाख्त में जुटी रंगरा पुलिस। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के कासरी घाट के पास गंगा नदी से एक 10 वर्षीय अज्ञात बालक का शव बरामद किया गया है। रंगरा पुलिस को आशंका है कि उक्त बालक की मौत डूबने से हो गई होगी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराकर रंगरा थाने में सुरक्षित रख लिया है। पुलिस बालक के शव का शिनाख्त करने के प्रयास में है। पुलिस ने बालक के शव की तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया है और आसपास के थाने में वायरलेस से भी जानकारी दी है। बालक के शरीर पर काले रंग की धारी वाला सफेद शर्ट और ब्लू रंग का पैंट है। जानकारी मिली है कि शव को शिनाख्त के लिए 72 घंटे तक रंगरा ओपी थाने पर रखा जाएगा। अगर इस बीच कोई परिजन नहीं आया तो शव का दाह संस्कार कर दिया जाएगा और तस्वीरों के साथ कपड़ों को सुरक्षित रख लिया जाएगा। रंगरा थाना अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि दोपहर बाद गंगा नदी में एक अज्ञात शव मिलने का सूचना मिला था। पुलिस ने सत्यापन के लिए पदाधिकारी को भेजा तो एक 10 वर्षीय अज्ञात बालक का शव मिला है। राजेश राम ने कहा कि पुलिस शव का शिनाख्त करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। नवगछिया, मजदूरों के मेट को एक मजदूर ने ही मारकर चाकू किया घायल। नवगछिया बाजार समिति के गोदाम में मजदूरों के मेट धोबिनिया निवासी अनिल यादव को एक मजदूर ने सीने में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल अवस्था में इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज किया है। चिकित्सकों ने अनिल यादव को खतरे से बाहर बताया है। घटना के बाबत अनिल यादव ने नवगछिया थाने में एक लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें गवाह स्वरूप करीब 20 मजदूरों ने हस्ताक्षर भी किया है। तो दूसरी तरफ आरोपी धोबिनिया निवासी आमोद यादव वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। अनिल यादव ने बताया कि आमोद यादव रोजाना कार्यस्थल पर लेट पहुंचा था, लेकिन जिस ट्रकों में उसने ढुलाई नहीं की थी उस ट्रक में दूसरे मजदूरों द्वारा किए गए मजदूरी में भी अपना हिस्सा मांगता था। देर शाम जब मजदूरों के बीच मेहनताना वितरण करने का समय आया तो आमोद यादव ने सुबह कार्य शुरू होने के बाद कार्य समाप्त होने तक जितने ट्रकों से माल की ढुलाई हुई थी उसमें अपना हक हिस्सा मांगने लगा। मजदूरों के मेट होने के नाते पहले अनिल यादव ने आमोद को समझाया, जिसमें तुमने काम नहीं किया है उसका पैसा तुम कैसे ले सकते हो। आमोद यादव नहीं माना और फिर अपने जिद पर अड़िग रहा। इसी बीच दोनों के बीच झड़प हुई और उसने दाएं छाती पर चाकू मार दिया। वहीं नवगछिया के थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दूसरी तरफ पुलिस आरोपी आमोद यादव की तलाश भी कर रही है। ऐसे बेफजूल का बकवास हुआ वो चाकू मार के भाई। कौन? आमोद यादव। कहाँ पे मारा है? अब से है गोदाम में। क्या करते हैं गोदाम में? बोरा ढोते हैं, लोड अनलोड करते हैं। कहाँ पे मारा है चाकू? ये गोदाम में। समिति बाजार में। क्या हुआ था? ऐसे बक जग हुआ बस मार के वो भाग। धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नवगछिया। हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जयसवाल 9709610052829294। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नगर।
खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303467170। गोपालपुर NDRF का रेस्क्यू बोट गंगा नदी में फंसा। तिंटेंगा करारी के दर्शनीय गंगा घाट पर गुरुवार को नाव के डूबने के बाद रेस्क्यू के लिए पहुंची NDRF की टीम का रेस्क्यू मोटर बोट झारखंड के साहेबगंज के आसपास गंगा नदी में फंस जाने के कारण रेस्क्यू में बाधा उत्पन्न हो गया। इस बारे में टीम के असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार मीना ने बताया कि रविवार को टीम के सदस्य गंगा नदी में 40 किलोमीटर के दायरे में रेस्क्यू अभियान चलाया था, परंतु किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलने पर वापस लौटने के दौरान बोट फंस गया, अतएव सड़क मार्ग से जाकर रेस्क्यू टीम के सदस्यों को वापस लाया जा रहा है। बताते चलें कि नौका दुर्घटना में अब तक लालू मंडल की पत्नी गीता देवी, बिंदु देवी व कौशल्या कुमारी का पता नहीं चल पाया है। नवगछिया चमकी बुखार से 10 वर्षीय बच्ची की गई जान। नवगछिया थाना के अंबो गांव के निवासी रंटू कुमार की 10 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी की जान चमकी बुखार से चली गई। परिजनों ने बताया कि घर में एकाएक शिवानी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। आनंद फानन में उसे अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवानी की जान जाने के बाद परिजन गहरे सदमे में हैं। नवगछिया डायन का आरोप लगाकर देवर ने भाभी को चाकू मारकर किया जख्मी। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वत्ता गांव में एक देवर ने अपनी भाभी को डायन होने का आरोप लगाते हुए चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल महिला डकैतिया देवी को परिजन ने गंभीर अवस्था में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। महिला के पुत्र पप्पू हरिजन ने कहा कि उसके चाचा प्रदीप डोम उसके पास आए और कहने लगे कि तुम्हारी माँ तंत्र मंत्र कर मुझे परेशान करने के लिए भूत भेजती है। पप्पू हरिजन ने कहा कि उसमें चाचा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद चाचा ने पूरे परिवार वालों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट की, और जब मेरी माँ मुझे बचाने के लिए आई तो आरोपियों ने हत्या की नीयत से चाकू से प्रहार कर दिया। पप्पू हरिजन ने कहा कि उसके चाचा और उसके परिवार के सदस्य लगातार उसकी माँ को डायन कर प्रताड़ित करते हुए आ रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही इस्माइलपुर पुलिस घायल महिला का बयान लेने मायागंज अस्पताल के लिए रवाना हो चुकी थी। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी नन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, हाई स्कूल के सामने, नवगछिया।
हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जायसवाल 9709610058292। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773। 93043 67170।